दिल्ली हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हिंसा और हेट स्पीच को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। हालांकि याचिका पर सुनवाई से पहले चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने बड़ी टिप्पणी की। सीजेआई एस ए बोबड़े ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि लोगों को मरना चाहिए, लेकिन इस तरह का दबाव कोर्ट नहीं संभाल सकता। ये उम्मीदें होती हैं कि ये अदालत दंगा रोक सकती है। हम केवल एक बार कुछ हो जाने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। हम पर एक तरह का दबाव महसूस होता है। सीजेआई ऐसे बोबड़े ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि अदालत जिम्मेदार है। हम अखबारों को भी पढ़ते हैं, हम इस मामले को सुनेंगे, लेकिन ये समझना होगा कि कोर्ट इसे रोक नहीं सकता है। हम शांति की अपील करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी शक्तियों की सीमाएं हैं। दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल, आपको बताते चले, हम केवल एक बार कुछ हो जाने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, हम पर एक तरह का दबाव महसूस होता है। एस ए बोबड़े की ये बड़ी टिप्पणी मानी जा रही है। उन्होंने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि लोगों को मरना चाहिए, लेकिन इस तरह का दबाव कोर्ट नहीं संभाल सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी भी कुछ सीमाएं होती हैं जिनके अंदर रहकर हमें काम करना होता है। हम केवल एक बार कुछ हो जाने के बाद ही कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही कहा कि एक तरह का दबाव हमें महसूस होता है,